आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। यूपी के लखीमपुर हिंसा में हुई किसानों की मौत के बाद अब पूरे देश में यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। रीवा में जहां एक और महिला कांग्रेस के द्वारा काला झंडा लेकर लखीमपुर घटना का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के साथ साथ मंत्री के बेटे के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा सांप्रदायिक विद्वेष व हिंसा उकसाने का मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा व उसके साथियों के ऊपर धारा 302 का मामला तत्काल दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT से कराई जाए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए हिंसा के लिए उकसाने के लिए दोषी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए और नौकरी के साथ साथ घायलों को 25 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई है। कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभा में किसान शांति पूर्वक काले झंडे दिखाने जा रहे थे, वहीं पर देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र गाड़ी चढ़ाकर 8 किसानों की हत्या कर दी और 15 से ज्यादा किसान घायल हैं। अभी पता चला कि 2 और किसानों ने अपने दम तोड़ दिए। हम लोग उसी के विरोध में आए हैं कि यदि किसान विरोधी ये नरेंद्र मोदी सरकार तीनों कृषि के काले कानून जब तक वापस नहीं करेगी और किसान आंदोलन करेगा, तो ये किसान की विरोधी सरकार क्या गाड़ी चढ़ाकर हत्या करेगी? क्या हम लोकतंत्र में अपना विरोध भी नहीं प्रदर्शित कर सकते? जिस तरह से शांतिपूर्वक किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाने की कोशिश की और प्रदर्शन कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में और केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में किसानों की हत्या की गई है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो हिंसा किए हैं उनके खिलाफ प्रकरण तत्काल दर्ज किया जाए, आर्थिक सहायता 1-1 करोड़ दी जाए, नौकरी 1 परिवार को दी जाए और जो किसान घायल है उनको 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। और ये चेतावनी भी देता हूं कि जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होगी तब तक ये किसान जमीन तो जमीन हर जगह जाके जल थल नभ में इस नरेंद्र मोदी सरकार की विरोध करेगा। जय जवान जय किसान। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा रीवा की इकाई के द्वारा पर 5 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का संबंध जो है वो लखीमपुर की खीरी की जो घटना हुई है कल उसी के संबंध में है। ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम है, कमिश्नर सर के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी लोग पीड़ित परिवार हैं उनको 25 लाख, जो घायल हुए उनको 25 लाख रुपये की राशि, जो मृत व्यक्ति हुए उनको 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी के पर ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, उचित कार्यवाही के लिए अग्रेसित कर दिया जाएगा।